खबर मध्य प्रदेश के नागदा से है, जहां पार्षद को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पार्षद मजदूरों की समस्याओं को लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास गया था। इस दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर ने नवनिर्वाचित पार्षद गोलू यादव को गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी दी, जिससे आक्रोशित हुए पार्षद ने थाने पर कई अपने समर्थकों के साथ थाने में सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ FIR की मांग की। इसके साथ ही पार्षद और समर्थकों ने थाने का घेराव किया, वही पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। जान से मारने की धमकी दी और जो है कंपनी में आने देंगे, उसकी हम लोग ने फुटेज वगैरह देख लिए हैं अभी। और जो है अभी दो दिन त्यौहार है, इस कारण से अभी इनका आवेदन जांच में रखा गया है, कार्रवाई की जाएगी।